ओम शांति। मैं हूं अभिनेत्री शालिनी चंद्रन और आप सभी का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मोती मगरी स्कीम उदयपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जिंदगी की राह को रोशन करने वाली एक आध्यात्मिक समारोह, वाह जिंदगी वाह, जिंदगी को जीने का एक नया तरीका, सेलिब्रेटिंग लाइफ विथ हैप्पीनेस। आज का मानव जो इतने तनाव से घिरा हुआ है, उसके लिए ये एक नई आशा की किरण है। इसके स्पीकर है ब्रह्मा कुमार प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन, जो मुंबई से हमें ज्वाइन करेंगे। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और आप साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, तो वो हमें बहुत सारे टिप्स देंगे, हीलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इम्प्रूविंग पर्सनल एफिशिएंसी, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे। तो जल्दी से डेट नोट कर लीजिए, डेट है 30 जून, 1 जुलाई एंड 2 जुलाई। टाइमिंग्स है सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 6 से 8 बजे। लोकेशन है टाउन हॉल, नगर निगम, उदयपुर। तो हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम का पूरा पूरा लाभ ज़रूर उठाएंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। शांति, नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर के तरफ से, आदरणीय दीदी की तरफ से और मैं व्यक्तिगत स्तर पर आप सभी का बहुत दिल से, बहुत प्यार से, बहुत बहुत सम्मान के साथ आज यहाँ स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जैसे दीदी कह रहे थे समय निकाल कर आए। दीदी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि ये जो प्रोग्राम है ये आपके समाचार के द्वारा उदयपुर के लोगों तक पहुँचेगा। हम तो एक अच्छे दोस्त की तरह आपको ये कहेंगे कि अगले 2-3 दिन जो हम यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार वालों को जरूर जरूर भेजिए, खास आप अपने बच्चों को जरूर भेजिए। मुझे तो ज़्यादा खुशी होगी कि अगर आप वक्त निकाल कर आप स्वयं भी वहाँ पर आ सकते हैं। खास करके ये जो सेशन का जो टॉपिक रखा गया है, इसका टाइटल है वाह जिंदगी वाह, सेलिब्रेटिंग लाइफ विद हैप्पीनेस। आज मैं आपको कुछ केंद्र बिंदु आपके सामने रखूँगा और अगर आपको लगता है ये सारी बातें आपके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप भी वक्त निकाल कर ज़रूर ज़रूर आइए। बेसिकली इस 3 दिन के शिविर में हम कुछ मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। सबसे पहला जो है, सारे विश्व के लोग काफ़ी चिंतित हैं, वो है हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य, राइट। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जून 21 में, जब से ये पूरा विश्व ने इस बात को महसूस किया है, तो मैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में बैंगलोर में था और 3-4 दिन में इस प्रकार के बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज को उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने का सोचा। वहाँ पर हम गए थे और मैं बैंगलोर से ही यहाँ पर आ रहा हूँ। तो आपको लगता है दोस्तों कि स्वास्थ्य मतलब हम लोग कुछ योगासन कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, 1 दिन के लिए कर लें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ऐसे जनरल लोगों में ये भावना है और अच्छी भावना जग रही है, बहुत अच्छा भी लगता है सुनकर। लेकिन आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, स्वास्थ्य का मतलब होता है 4 बातें। एक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। हेल्थ हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। चारों बातें होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ शारीरिक स्तर पर ही आज काम कर रहे हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर क्या हमारा मन स्वास्थ्य है? और खास करके अगर मैं पत्रकार बंधुओं की बात करूं तो सुबह से शाम तक, राइट, जैसे शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोग हर लोग एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन भोजन का जरूर ध्यान रखते हैं कि भाई अच्छा भोजन खाना चाहिए, स्वास्थ्य पर भोजन करना चाहिए, ऐसी मन का भी तो भोजन है ना। और खास करके आप मीडिया वाले, हाई रिस्क प्रोफेशन में,
आपको सुबह से शाम तक किस प्रकार के समाचार मिलते हैं, यानी किस प्रकार का भोजन मिलता है मन के लिए? अच्छे मिलते हैं या बुरे मिलते हैं? मिक्स। अच्छा मिक्स मिलते हैं। अच्छा ऐसा मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछूंगा। अगर मैं पूछूं उदयपुर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, सारे विश्व के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इतना सुंदर ये जगह है, राइट? नेचुरली यहाँ पर शायद अच्छे समाचार भी होते होंगे, उस हिसाब से शायद आप भाग्यशाली हैं। लेकिन मैं मुंबई से आ रहा हूँ, बेसिकली बेस्ड इन मुंबई। अगर आप मुझे पूछेंगे पिछले एक हफ्ते में स्वामी भाई मुंबई में एक अच्छा समाचार आप हमें बता दो, शायद मुझे तो नहीं मिलेगा। हाँ क्या क्या गड़बड़ समाचार है मैं टिक-टिक-टिक-टिक बता दूंगा। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज भी मैं बताऊंगा। मुंबई में चार्टर्ड फ्लाइट गिरा और फाइव लोग थे, आपके मैसेज मिल गया होगा। कहने का भाव है हमारे मन को जो भोजन मिल रहा है ना मुंबई के लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव भोजन नहीं मिला, और आपको सत्य बता रहे ऐसे नहीं कि वो कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मिल रहा है समाचार। चलो अगर मैं आपसे पूछूंगा उदयपुर बहुत अच्छा जगह है, भाई सर ने कहा यहाँ मिक्स्ड भोजन मिलता है, मुंबई में तो सिर्फ बासी भोजन और जला हुआ भोजन ऐसा भोजन मिलता है। एक हफ्ते में बताइए उदयपुर में कोई अच्छा समाचार। डेवलपमेंट की स्टोरी है उदयपुर की, डेवलपमेंट ब्रिज बन रहा है। हाँ इसके अलावा स्पोर्ट्स वो सुनकर कितना मन को अच्छा लगता है। हाँ फोर लेन वाला सिक्स लेन बन रहा है, मन को अच्छा। डज इट गिव मी एनर्जी। इधर पार्डली उदयपुर अपना ब्यूटीफुल सिटी, उधर ब्यूटीफुल सिटी उधर पर स्टोरी बन रही है, उधर पर ब्यूटीफुल सिटी है, यहाँ लोग आते हैं, तरह तरह की बातें होती है। नहीं वो तो हर दिन होता है सर, मैं कह रहा हूँ पिछले एक हफ्ते में आप बताइए कोई अच्छा समाचार आपको मिला। अरे बारिश हो गया, आज उदयपुर में बारिश हुई, वेरी गुड ना। देखिए ना सोचने की बात है ना कि खास करके मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पत्रकार को किस रिस्क प्रोफेशन में हैं जहाँ मन को एक भी पॉजिटिव थॉट नहीं मिल रहा है। डब्ल्यूएचओ कहता है शरीर के साथ साथ मन का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन, मन को अच्छा विचार कहाँ मिल रहा है, अच्छा समाचार कहाँ मिल रहा है, तो थोड़ा समय बहुत जरूरत है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग थोड़ा चिंता करें। फिर सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, फिर जो चार बातें हैं ये अगले तीन दिनों में हम सभी लोगों के लिए कवर करेंगे। खास करके दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं चाहूंगा कि दीदी ने जो जिक्र किया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पर मिला, राइट? बेसिकली अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम पर मिला, स्वामीनाथन टाइप के नाम पर नहीं मिला। बड़े नम्रतापूर्वक और बड़े सत्यता से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ निमित्त हम बने ये बात अलग है, और किस पर मिला ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं चाहूंगा कि मैं उदयपुर के सभी बच्चों को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप में से कितने हैं जो शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं वो जरा हाथ उठाए। मेजोरिटी कुछ लोग शायद ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे, पोते भी होंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे बच्चों का जो प्रोग्राम है उसमें आप अपने बच्चों को जरूर जरूर भेजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मा कुमारी इसको किसमें ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, एंड दैट इज ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। आपने सुना होगा कहते हैं स्वामी विवेकानंद टेरिफिक फोटोजेनिक मेमोरी, और वो अभ्यास करते थे राजयोग का। तो यहाँ पर हम जो लोगों को सिखाएंगे अगले तीन दिन में भारत एक प्राचीन विधि में जिसको हम लोग राजयोग कहते हैं, और ये टेक्निक सिखाना बहुत जरूरत है। पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम में बच्चों को एक ही चीज सिखाई जाती थी और वो थी एकाग्रता। मैं वैसे फिजिकली इंजीनियरिंग प्रोफेसर हूँ मुंबई में,
तो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे या पीएचडी बच्चे को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। और मैंने देखा आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे बच्चों के साथ है और वो एकाग्रता, द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो एकाग्रता क्या है और उसका हम डेमो करके दिखाएंगे। आप मुझे 20-30 आप अपने मोबाइल का नंबर बता दीजिए, है ना, लास्ट में डिजिट नंबर बता दीजिए, बस मैं आपको बस सुनता रहूँगा। और फिर उसके बाद 20-30 मोबाइल नंबर क्या था, कोई सभी अल्फाबेट पूछे, कोई सभी नंबर पूछे, मैं उसको बहुत सहज याद कर सकता हूँ। बड़े नम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस दिन वो प्रोग्राम में अगर आप आएंगे और अपने बच्चों को लेकर आएंगे तो आपके सामने आपके बच्चों को मैं करके दिखाऊंगा। ये विधि है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। और ये कॉन्सेंट्रेशन हर क्षेत्र में बहुत जरूरत है। आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरत है, उसकी माँ जब भोजन बनाती है वहाँ एकाग्रता की जरूरत है। आप 2-व्हीलर हो, 4-व्हीलर हो, गाड़ी चला रहे हो, तब आपको एकाग्रता की जरूरत है। तो इस एकाग्रता की शक्ति पर ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय को विश्व का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। करीब 4 साल पहले इस रिकॉर्ड को विद्यालय के नाम पर आया। तो सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो स्वास्थ्य, उसमें 4 पहलू। दूसरा जो है और वो है एकाग्रता। एकाग्रता को ठीक करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विधि है और वो है मन का प्रबंधन करना। हम मन का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो राशियों कुछ नहीं है, अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाना, राइट। और जब आप अपने मन को बहुत अच्छा दोस्त बनाते हो तो आपका मन बहुत सुमन हो जाता है। मैं छोटे छोटे बच्चों को एक बार पूछ रहा था, बच्चों आपका घर आप कहाँ बनाना चाहते हो, एक जंगल में बनाना चाहेंगे या बगीचे के आसपास बनाना चाहेंगे। तो सारे बच्चों ने कहा सर नेचुरली आप यहाँ जंगल में कभी ट्रैकिंग करने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन हम अपना घर जंगल में थोड़ी ना बनाएंगे, हमारे है ना मकान के चारों तरफ सुंदर बगीचा होना चाहिए। तो मैंने बच्चों से पूछा अच्छा बताइए बगीचा क्यों अच्छा लगता है और जंगल क्यों डर लगता है। बहुत क्लियरली बच्चों ने जवाब दिया क्योंकि बगीचा जो है ना वहाँ पर रंग बिरंगे फूल होते हैं, तितलियाँ होती है, जंगल में क्या होता है जानवर होते हैं जिससे हरी को डर लगता है। तो जंगल और बगीचे में अंतर क्या है, अगर मैं आपसे पूछना था क्या जवाब देंगे, जंगल और बगीचे में अंतर क्या है। मैंने कोई कठिन प्रश्न पूछा क्या, वहाँ भय शांति अब तो हमने बता दिया, और इसके अलावा बताइए। जंगल अव्यवस्थित है, बगीचा व्यवस्थित। करेक्ट, दैट इज एन आंसर, एब्सोल्यूट गुड आंसर। बगीचा जो होता है उसका मेंटेनेंस होता है, उसकी व्यवस्था की जाती है। जंगल में कोई व्यवस्था नहीं होती, कहीं पर भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, उसकी अपनी ब्यूटी है, उसकी अपनी ब्यूटी है, लेकिन वहां पर आप जाकर अपना घर नहीं बनाना चाहते। व्यवस्था चाहिए, सिस्टम चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राइट, जो बगीचा जो होता है ना उसको मेंटेन करने वाला वो माली होता है, मालिक होता है, मेंटेन करता है, उसके लिए वो समय देता है। अब आप सोचिए थोड़ा समय, जब आप मन के प्रबंधन की बात करते हैं, हम सारे दिन में कितना समय अपने मन का प्रबंधन, मन को व्यवस्थित करने में लगाते हैं। आप कहेंगे स्वामी भाई हमें टाइम ही नहीं मिलता है, यस आई डू अग्री, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। क्यों नहीं टाइम मिलता है, क्योंकि इतने बिजी होते हो कभी भी आपको कॉल आ सकता है, करेक्ट। बहुत अच्छी बात है, जब कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जब किसी भी वक्त आपको कॉल आ सकता है, जैसे आप हो आप क्या ध्यान रखते हो, आप ये ध्यान रखते हो कि आपका मोबाइल जो है ना चार्ज मोड में रहे, फिर कभी भी इंपॉर्टेंट कॉल आ सकता है। उसी तरह हम अपने मन को भी तो चार्ज करें ना, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप बहुत हाई रिस्क प्रोफेशन में, और इसीलिए मन का प्रबंधन करना होगा बहुत जरूरी है। कैसे पता चलेगा हमारा माना भी बगीचा है या जंगल है, ऐसा बताइए आप उसको जवाब दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा हमारा मन अभी बगीचा है या जंगल है, जैसे जानवर होते हैं ना तो डर लगता है, उसी तरह अगर हमारा मन बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं, शांति प्रेम खुशी
कि मन रेडिएट कर रहा है, उसकी खुशबू रेडिएट कर रहा है, मतलब बगीचा है। लेकिन अगर डर है, डर मतलब अगर हमारे मन रूपी उस सिस्टम पर जानवर है, मतलब कहीं हमको डर लग रहा है, कहीं फियर है, कहीं इनसिक्योरिटी है, सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है। आप में से कितने भाई लोग हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, उधर हाथ उठाएं। अच्छा सबको समझिए कि आप पर अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भाई जी करिए, घर में जाकर एज अ फादर आप अपने बच्चे पर गुस्सा करते तो कैसा लगेगा? एक बार मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे थे, आप पूछेंगे स्वामी भाई आप बार बार बच्चे को क्यों लेके आ रहे हो? उसके पीछे कारण है, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ डॉक्टर कलाम ऑफ विजन 2020। मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर कलाम का प्रोजेक्ट, इसलिए कल परसों आप आएंगे ना तो मैं डॉक्टर कलाम के साथ कुछ एक फोटोग्राफ्स आपके साथ शेयर करूँगा। और पिछले 20 वर्षों से पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ। और डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो कहते हैं कि एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो नेक्स्ट रिंग ऑफ लीडर्स को तैयार करे। और हमारा भारत और हमारा समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब आपके घर के जो बच्चे हैं ना वो सशक्त शक्तिशाली बने। ये बहुत बहुत जरूरत है, इसलिए बच्चों पर काम करना, बच्चों को सशक्त बनाना, बच्चों को शक्तिशाली बनाना, ये बहुत बहुत जरूरत है। एक बार छोटे छोटे बच्चों से पूछा था, अच्छे बच्चे बताओ आपको सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है? एक ने खड़े होकर कहा सर आमिर खान। अच्छा वेरी गुड, मैंने एक पॉजिटिव नेगेटिव समझाने के लिए बताया सबसे अच्छा हीरो कौन सा लगता है, तो उसने कहा आमिर खान। फिर मेरा दूसरा प्रश्न था, अच्छे बच्चे बताओ आपको सबसे अच्छा विलन कौन सा लगता है? मैं सोचा हीरो बताएगी आमिर खान तो विलन कोई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बताएगा, तो मैं बताऊंगा ये क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों नहीं अच्छा लगता है। देखा बच्चे कुछ बता नहीं रहे, सोच रहे शायद। तो मैंने देखा एक बच्चे ने ना अपने बाजू वाले को कुछ कहा और दूसरा बहुत जोर से हंसने लगा, तो मेरी नजर पे लगा पता बता कौन सा विलन का नाम बता रहा है। तो पहले वाला दूसरे को नहीं नहीं मत बोलना मत बोलना, क्यों क्या बोल रहा है, बोलना नहीं नहीं प्लीज मत बोलना, प्लीज प्लीज मत बोलना, अरे बोलो ना विलन का नाम कौन सा अच्छा विलन लगता है। बड़ी सर प्लीज प्लीज प्लीज, अरे अच्छा ठीक है पब्लिक में नहीं बोलता ना तो तुम ये कान में बोल राइट। तो पहले वाले को बोलने में इतना शर्म आ रहा था, जिसको बोला था मैंने कहा अच्छा ठीक है जो से मत बोल तू मेरे कान में बोल। तो मैंने उसको धीरे से कहा किस कौन है विलन, तो बोला सर जब आपने पूछा हीरो कौन है तो किसी ने कहा आमिर खान, जब आपने जैसे ही कहा ना विलन तो ये मुझे कहता है विलन कौन पापा। माय गॉड, मैंने इसलिए कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैं सोचा वो अमरीश पुरी कहेंगे या आजकल के कोई जो जो विलन है वो कहेंगे। वो जैसे पापा बोला ना मुझे इतना जोर से शॉक लगा पापा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इनको बोलूं क्या। मैं क्या चाहता उस बच्चे से मैंने पूछा, ये सोचने वाली बात है राइट। एक बच्चा कहता है विलन इज पापा, और कुछ अगर मैं पूछूंगा तो दूसरा कहेंगे टीचर है बेटा। आपको थोड़ा सा विचार करना दोस्तों इस बात का। मैंने उस बच्चे से पूछा जिसने आमिर खान का, मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा आमिर खान की कितनी फिल्म देखा तुमने जरा नाम ये, तो कहा सर 3 इडियट्स देखा है, तारे जमीन पर देखा है, दंगल देखा है, और गिन चुन कर वो 5 से आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा मैक्सिमम 10 देखा होगा, नाम याद नहीं आता रोहित सर। तो 10 मूवी उसने आमिर खान का देखा, 3 घंटे आप मल्टीप्लाई करो, 30 घंटा उसने आमिर खान को देखा और आमिर खान उस बच्चे के लिए हीरो बन गया जो कभी जीवन में मिला नहीं है, सिर्फ पत्ते में मिला। और उसका पापा आके सुबह से शाम तक राइट एक एक पल उस बच्चे के लिए ख्वाब देख रहे हैं, उसकी पढ़ाई उसकी शादी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और आप और हम एट द एंड ऑफ द डे विलन बन गए। राजू जैसा जो फरमान और राजू को कहे कि तेरे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है तो अफ्रीका में जाना, तो इंजीनियरिंग क्यों करता है?
जब वो डायलॉग सुनता है ना तो उसको लगता है कि अच्छा दोस्त ऐसा डायलॉग बोलना चाहिए। और आज हम शिक्षक और आप माता पिता बच्चों को क्या कह रहे हैं, सुबह से शाम तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, कितना दर्द देता है उस बच्चे को। जब वो बच्चा मम्मी देखता है तारे जमीन पर तो क्या महसूस करता है। एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो उस ईशान को, उसकी सारी कमजोरियों को स्वीकार कर उसको मन को शक्तिशाली बने। शिक्षक हो तो ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा शिक्षक थोड़ी ना जो सुबह से शाम तक उसको डांटते रहे, क्या इतने नंबर कम मार्क्स मिलते हैं, तेरे को समझ भी नहीं आता क्या, मेरा सर पर भूसा भरा हुआ है। अगर ऐसे डायलॉग अगर हम शिक्षक बोलने लगे तो हमारा मिल तिलक बन जाएगा। इसे मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो गुड न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ना, ये अच्छे न्यूज बाहर नहीं मिलेंगे। और आने वाले समय पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि आने वाले समय पर इतने डेंजरस समाचार हर सेकंड ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा जो आज तक हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे सिविल डिस्टर्बेंस की तरफ आप और हम बढ़ रहे हैं। ऐसे समय ये विद्यालय मानता है चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरुआत। तो मैं आप सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा अगले 24 घंटे एटलीस्ट घर में आप अपने बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करें। कौन कौन गुस्सा नहीं करेगा वो हाथ उठाए अगले 24 घंटे में। कौन कौन अपने घर में हीरो बनना चाहेगा वो जरा हाथ उठाओ। सर दिस इज अ गुड न्यूज ऑफ उदयपुर सर, लिखिएगा ब्रेकिंग न्यूज। मुझे 22 वर्ष पहले जब इस विद्यालय में आया तो मुझे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गुस्सा। मैं इतना गुस्सा करता था अपने विद्यार्थियों पर और सर पर क्योंकि मुझे लगता था सारी दुनिया की खराब हो रही, इसको ठीक ऐसे किया जा सकता है। तो जब मैं इस विद्यालय में जुड़ा तो जो मुझे बताया गया कि गुस्सा करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो मैंने हिंदी फिल्म का डायलॉग बोला, लोहा लोहे को काटता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत प्यार से मुझे एक अच्छी बात सिखाई, उसने कहा था लोहा लोहे को जरूर काटता है लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। तो मन का प्रबंधन हम कैसे करें, मन को हम सुमन कैसे बनाएं, मन को एक सुंदर बगीचा हम कैसे बनाएं, राइट, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट एक बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा, और ये बहुत बहुत जरूरत है। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम समाज में देख रहे हैं एंड दैट इज, और वही राज्य, राज मतलब राजा, हम अपने संकल्पों के राजा बने, हम अपने मन के राजा बने। और योग, योग किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं? मैंने हिमाचल दिया योगा में मुंबई के बच्चों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता सर बाबा रामदेव ने। मैंने कहा बाबा तेरी जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अब बाबा रामदेव हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे दोस्त का नाम बहुत सम्मान के साथ हम ले रहे हैं। हमारे विद्यालय के प्रति भी उनकी बहुत अच्छी भावनाएं हैं, हमारे दादी जानकी जी को मैंने एक बार बुलाया था। तो मैंने स्टूडेंट से कहा पता तेरे को योग तेरे को किसने सिखाया, राइट? जब आप क्लास थर्ड में पढ़ते थे आपकी गणित की टीचर आपको योग सिखाती थी, बहुत प्यार से वो सिखाती थी। कैसे सिखाती थी? दो योग दो वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। तो आज हम स्वामी भाई क्या कहेंगे, हम कहेंगे आज मेरा कितना अच्छा योग है जो उदयपुर के आप पत्रकार बंधुओं से मिलने का चांस मिला। ये योग है, ये रिलेशनशिप, ये संबंध। और आज मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ दोस्तों, मुंबई में एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जिसको टिस कहते हैं, आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। उन्होंने मुंबई में सर्वे किया और उन्होंने फिगर को पब्लिश किया न्यूज़पेपर में, और फिगर क्या था, मुंबई में उन्होंने स्टडी किया और फिगर ये था 50% ऑफ द यंग मैरिड कपल्स इन मुंबई फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज लैंड्स अप इन डिवोर्स। हिंदी में अनुवाद करूंगा, 50% जो नव युवा दंपतियां हैं एक साल के अंदर मुंबई में तलाक पर पहुंच गए। मुंबई का स्टैटिस्टिक्स, उदयपुर का क्या है मुझे नहीं पता लेकिन मुंबई का ये स्टैटिस्टिक्स है। और अगर आप दोस्तों मेरे मुंबई के बच्चों से मिलेंगे ना, वो इतना अच्छा इंग्लिश बोलेंगे जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात,
मेरे लैपटॉप में या मेरे मोबाइल में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एक मिनट के अंदर उसको ठीक कर दे। राइट, हमसे और आपसे वो बहुत ज्यादा बुद्धिशाली है, लेकिन आपसी संबंध इतना फ्रेजाइल, राइट, और इतनी हालत खराब हो रही है मुंबई में, खास करके जो कैंपस में हम लोग देखते हैं, लैला मजनू को देखते हैं, फिर वो शादी करते हैं, फिर तलाक पर आ रहे हैं, फिर हम लोग के पास वो काउंसलिंग के लिए आते हैं, इतना डेंजरस सिचुएशन हो रहा है। और इसका बेसिकली एक कारण ये है क्योंकि हमारे अंदर की जो वैल्यूज है, हमारे अंदर में जो दिव्य गुण है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। राइट, और सबसे बड़ी बात है, राइट, हम लोग माता पिता और बच्चे आपस में धीरे धीरे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो रहा है, धीरे धीरे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। और सबसे बड़ी बात, और खास करके आप मीडिया लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, कि आप भी अपने घर में, कहते का इंग्लिश में कहावत है, दैट फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। एक परिवार जो आप एक साथ बैठकर भोजन करता है वो हमेशा साथ रहता है, और आप कभी वो कर ही नहीं पाते हो, हम कर ही नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते, थैंक्स टू मोबाइल फोन्स, थैंक्स टू मोबाइल फोन्स। ये मोबाइल यूज नहीं करना मैं नहीं कह रहा, कभी यूज करता हूं। आने वाले समय पर कहा जाता है हमारे बच्चों में सबसे बड़ा जो एडिक्शन है वो है मोबाइल फोन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली कहता है अगर आपका बच्चा दिन में 6 से ज्यादा सेल्फी खींच रहा है, ये चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आने वाले समय पर हमारे बच्चों को दो मेजर प्रॉब्लम आने वाली है, एक उनको नींद नहीं आएगी क्योंकि रात भर वो व्हाट्सएप देख रहे हैं, रात भर वो यूट्यूब देख रहे हैं, रात भर वो कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं आपको भी पता, मुझे भी पता है। और ऐसे बच्चों को पूरा रात बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब। बापू जी, हमारे देश के बापू जी महात्मा गांधी जी कहते हैं, उनकी किताब आपने पढ़ी होगी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो किताब में लिखते हैं कि मैं बचपन में मैंने एक नाटक देखा था राजा हरिश्चंद्र, और उस राजा हरिश्चंद्र के नाटक का बापूजी के मानस पड़क पर इतना प्रभाव पड़ा कि बापूजी के लिए सत्य और अहिंसा अस्त्र शस्त्र बन गए। एक नाटक देखकर अगर बापूजी के मन पर इतना प्रभाव पड़ सकता है, जस्ट इमेजिन करिए दोस्तों, सुबह से शाम तक हमारे बच्चे इस टीवी में, गूगल में, इंटरनेट में क्या कुछ नहीं देख रहे। मैं चाहता हूं कि अगर आप अपने इस समाचार को, कि आपके पास भी एक अस्त्र शस्त्र है और वो है आपका कलम, इस कलम के द्वारा एक मैसेज आप उदयपुर के लोगों तक पहुंचाना, कि अगर आप माता पिता अपने बच्चों को इस एडिक्शन से बचाना चाहते हो, अगर आपके पास कोई विधि है तो प्लीज शिविर में मत आइए, लेकिन अगर आप कोई विधि जानना चाहते हो तो ये 3 दिन के शिविर में सुबह शाम, जिसका कोई मूल्य, जिसका कोई फीस नहीं है, इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सारे सेशंस फ्री होते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं है, अच्छा लगेगा तो बैठो नहीं तो उठकर चलेगा। राइट, तो ये देखें इसमें आप वो डिजिटल एडिक्शन से बचने के लिए हमारे बच्चों को क्या कर सकते हैं, तो ऐसा ही बहुत सुंदर गिफ्ट मैं उदयपुर के माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी अपने बच्चों को लेकर आइए, आप खुद भी उसको अटेंड करिए, और आपके समाचार पत्र के द्वारा सबको एक बहुत बहुत अच्छा ये संदेश जरूर जरूर दीजिए। ये 4-5-6 बातें मैं इस बार जिंदगी बाहर के शिविर में कवर कर रहा हूँ, और उसका एक बहुत सुंदर साइंटिफिक रिसर्च भी हम सभी को देंगे, और मुझे विश्वास है ये 4-5 बातें आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर जरूर आइए। और मैं आपको खुला निमंत्रण भी देता हूँ कि यहाँ पर 1 हफ्ते का कोर्स होता है, हर दिन 1 घंटा होता है, तो आप उस कोर्स को भी जरूर जरूर अटेंड कर सकते हैं। आप सभी का प्रेम और मूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपको कोई दिल से दिल का कोई संवाद करना है, कुछ पूछना है, तो आप जरूर जरूर पूछ सकते हैं। दिल की बातें करनी है, कुछ पूछना चाहिए।
पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसे। अच्छा, आप में से कितनों को तनाव होता है हर दिन का ब्रेकिंग न्यूज निकालने में? उधर हाथ उठाएं। अच्छा, तनाव का प्रबंधन करने के लिए क्या मैकेनिज्म आप अप्लाई करते हैं? अच्छा, जब करते नहीं तो लेकिन क्या कर सकते हैं? जी सर, एक्टिव रहना। फील्ड में एक्टिव रहेंगे तो आपकी कार्य कुशलता जरूर बढ़ जाएगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। लेकिन तनाव तो होता है ना, तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ठंडे दिमाग से फिर भी ठीक लगा। मैंने अपने मुंबई के बच्चों से पूछा तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, खड़े होकर कहता सर नवरत्न तेल लगाना चाहिए सर, ठंडा ठंडा। अरे दिमाग को ठंडा कैसे करेंगे सर? काम को करने के लिए सोचे, ये नहीं सोचे कि होगा, नेगेटिव सोच से ठंडी होगी। काम करते जाए, नहीं काम बोले तो काम हो जाएगा। ठीक ठीक, नहीं उस काम को कर रहे हैं, काम को करने से कोई गर्म हो गई है कि ये काम का नहीं हो रहा, उसको ठंडा कैसे करें? काम तो करना सर, आप तो बोल रहे थे पॉजिटिव सोच से थोड़ा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ना कैंसर होता था ना, तो हमारे गांव में वो ब्रेकिंग न्यूज बनता था, ब्रेकिंग न्यूज कि भाई किसी को कैंसर हो गया। 15-20 वर्ष में किसी को अगर हार्ट अटैक होता था तो ब्रेकिंग न्यूज बनता था। आपके समाचार के साथ बता रहा हूँ, 15-20 वर्ष पहले अगर कहीं घर में चोरी होती थी, डकैती होती थी, अगर कोई आत्महत्या होता था तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज होता था, राइट? आज हर दिन ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आपने और हमने स्वीकार कर लिया कि ये बहुत नॉर्मल है। आप कितना खुशी से कह रहे हो, हाँ तनाव तो होते ही है, तनाव के बिना ऐसे बोल रहे जैसे वो स्वीकार कर रहे हो। कल हमारे बच्चे भी सुसाइड करेंगे, आप बहुत प्यार से लिखोगे भाई हमने होता था आज मेरा बच्चा सुसाइड कर लिया, कौन सी बड़ी बात है, चलेगा। सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तनाव है। तनाव क्यों है? भाई साहब बोल रहे पापा के रूप में तनाव होता है। बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि तनाव से हो रहा है। हाँ, आप हर दिन सुनते हो भाई आत्महत्या हो रहा है, रिपोर्ट करते हो। क्या वो आत्महत्या मैं अपने घर में अपने बच्चों में स्वीकार करूंगा क्या? नहीं, अब हम नहीं करेंगे। इसे यह बोलना कि तनाव नॉर्मल है, यह हम एक्चुअल प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करना जरूरत है। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है सोच कर तनाव लेकर आने के बजाय गाड़ी में पेट्रोल भरो, इसकी व्यवस्था करो। दिस इज द सॉल्यूशन। मन में जो गर्म हो रहा है उसको ठंडा करने की मैकेनिज्म पता लगाओ, क्या है वो मैकेनिज्म। ये तो कुछ समय के बाद राइट हमारा सिस्टम पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। WHO कहता है 2020 तक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समाज में होगा वो डिप्रेशन होगा। हर 5 में एक व्यक्ति डिप्रेशन है। अगर हम यहाँ सब लोग बैठे ना तो हर 5वें व्यक्ति के घर में डिप्रेशन केस है। नॉर्मल है, चलेगा? चलेगा तो भाई हम शांति करते हैं, अगर नहीं चलेगा इसका विचार करना है कि क्या कर सकते हैं। और वो बहुत सुंदर विधि, उसका एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया है कि राइट इस संसार में हर व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है। अगर मैं कहूंगा कि बैठकर आप यहाँ पर मेडिटेशन करो तो आप शायद रिपोर्ट कर लेंगे और चले भी जाएंगे, लेकिन शायद आप कहेंगे मेरे पास टाइम ही नहीं है, टेंशन होता है, सुसाइड होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन प्रकृति ने बहुत सुंदर गिफ्ट दी है शरीर को और मन को रेस्ट करने के लिए। आप बता सकते दोस्तों क्या है? यस सर, यू आर राइट, तालियां बजाएंगे। नींद। और आप सभी पत्रकार वर्गों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई कभी भी 24 घंटे काम करना होता है। कितने घंटे सोना चाहिए पत्रकार को? 8 घंटे। अरे वाह,
आठ घंटे सोना चाहिए। आपको मैं रिसर्च वो शिविर में बताऊंगा कि कितने घंटे सोते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा समय सो, लेकिन अगर आपका मन सर अगर डेल्टा लेवल में चला गया तो आप तनाव प्रबंधन कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक बार प्रश्न पूछ गया क्योंकि भाई साहब को फिर बीपी बढ़ने लगेगा, तो मैं आपका देव का भी जरूर ध्यान रखना चाहूंगा। अगर नींद के द्वारा ही शरीर और मन को रेस्ट मिल रहा है तो फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में ध्यान मेडिटेशन भारत सरकार ने क्यों इंट्रोड्यूस किया? पतंजलि को अगर आप देखेंगे ना जो सूत्र बताए हैं तो यम नियम राइट आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ध्यान मेडिटेशन यम नियम को फॉलो करने की शक्ति। और अगर आप पतंजलि को भी देखेंगे ना तो राजयोग का जिक्र है। तो फिर मेडिटेशन करने के क्यों आप समय निकाले? भाई सोते रहे ना। बस एक बात बताना, इस पर विचार जरूर करना, नींद से हमारा शरीर और मन को रेस्ट जरूर मिलता है लेकिन नींद से हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर अंदर का संस्कार परिवर्तन नहीं होता। और अंदर का संस्कार क्या है? ना बहुत जल्दी रिएक्ट करना, बहुत जल्दी गुस्सा आना, ये जो अंदर का जो संस्कार है ना इसको धीरे 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 शांत करना राइट। तो जब आप ये टेक्निक सीख लोगे ना तो बाहर की परिस्थिति वैसी ही है और भी विकराल होने वाली है। परिस्थिति वैसे की वैसी आपकी आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि आप उसको बहुत सहज सामना कर सकोगे। जैसे कभी वक्त निकालना और यहाँ पर आकर थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना, और ये 3 दिन सुबह और शाम का टाइम है। तो आप सुबह कितने बजे से दीदी? 6:30 से 8:30 से लेकर 8 बजे तक, शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक। प्लीज थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप जरूर जरूर वक्त निकाल कर इस टेक्निक को सीखिए और देखिए कि कैसे हम तनाव को मैनेज कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। एक बार फिर आप सभी को विद्यालय की तरफ से बहुत प्यार भरा स्वागत और बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति।